जैसे कि जानते हैं जो जनवरी में पेपर हुआ था सीटेट का, फर्स्ट सेकंड पेपर हुआ था आंसर की, और ओएमआर शीट आ गया है। आप गूगल पे जाइए, सरकारी रिजल्ट पे लिखिए, इसके बाद यहाँ पर मेन लिंक पे क्लिक करें, होम पेज खुल जाएगा, सरकारी रिजल्ट का होम पेज खुल जाएगा। आप स्लाइड जाकर आंसर की से और यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं सीटेट का आंसर की, और यहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं आंसर की सरकारी रिजल्ट पे जाकर। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे सीटेट जनवरी का, देखेंगे आंसर की। अब नीचे आएंगे, पहले हम फर्स्ट पेपर देखेंगे उसका आंसर की, आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट पेपर पे आंसर की, जैसे कि यहाँ देख लीजिए पीडीएफ में आ गया है। आप जैसे आपका पी सेट होता है ना, बुकलेट सेट था, पी एल एम एन कहके सेट था, तो आप सेट के अकॉर्डिंग अपना दोनों पेपर देख सकते हैं, हिंदी का जिसका हिंदी का है, इंग्लिश का है, मेन पेपर देख सकते हैं। जैसे सेट आई है, यहाँ देखिए सेट आई, जिसका पेपर सेट आई का हुआ था वो मेन पेपर देखेगा। इसके बाद सेट आई का ही हिंदी है इंग्लिश है जो सेकंड ऑप्शन चुना था वो देखेगा। इसी प्रकार से आप सेकंड पेपर भी देखेंगे। और अभी मैं बताऊंगा ओएमआर शीट कैसे डाउनलोड करेंगे, अभी आगे बताएंगे, इसको समझ लीजिए। जैसे आप सेट जे का है, जैसे जे का है मेन पेपर देखेंगे, वैसे आई का है मेन पेपर देखेंगे। उसी प्रकार से जितने आप सेट के अकॉर्डिंग, आप जैसे हिंदी थे, इंग्लिश जो लिया था इंग्लिश लैंग्वेज में लिया था, हिंदी लैंग्वेज में लिया था, तो सेट के हिसाब से वो देख लेगा। आप इसी प्रकार से अपना ये देख सकते हैं, पीडीएफ दिखाया गया है, आप मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे अभी ऑप्शन में बताया जाएगा। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, लैंग्वेज थे ऑप्शन वाला जो, अब यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं। अब सेकंड पेपर देखेंगे, सेकंड पेपर में वही सिस्टम है, सेट के हिसाब से आपका जो यच, जिसका यच था यच है, आई है, जे है जे है, जिसका जो भी। अब मार्कशीट हम डाउनलोड करेंगे, मार्कशीट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालकर मार्कशीट हम डाउनलोड करेंगे, जो हमने पेपर दिया था मार्कशीट पर वो हम डाउनलोड करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पहला शीट जो पहला पेपर हुआ था उसका, और सेकंड पेपर जो हुआ था उसका मार्कशीट आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आप मिला लीजिए आंसर की से कि कौन कौन सा हमने सही लगाया था। इस प्रकार से मार्कशीट डाउनलोड होगा, जैसे कि इस प्रकार से जो आपने पेपर दिया था। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर।